चलो जी अच्छो गुड आफ्टरनून थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने याद तो तुम्हें होगा ही राइट क्या पढ़े थे हम लोगों ने वो सारी चीजें हमें याद करनी होगी और इसके बाद ही हमें आगे बढ़ना होगा यस उम्मीद करता हूं इस अभी के आगे का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों ने सारी चीजें एक बार पढ़ के आई होंगे सारे कैलकुलशन वापस से करके आए होंगे आपने अगर कैलकुलेशन किया होगा तो मैं श्योर हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा क्योंकि यही वो चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी भी ये yes no? अच्छा जी कहा है हम कहा थे हम इस बारे में बात कर लेते हैं हम लोग टैक्स रेट में थे टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एच यूएफ एंड ऑन एंड सो फोर्थ राइट उस चार्ट में एक बार वापस से जाइए फटाफट उस चार्ट में हम लोग एक बार वापस से चले जाइए चार्ट में गए आप चार्ट के अंदर में दिख रहा होगा इंडिविजुअल बिलो 60 नॉन रेसिडेंट ऑफ एज एच एफ एओपी एजेपी अप टू नील थाउजेंडू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैख परसेंट शॉर्टकट इज 12,500 हंड्रेड देन आपका फाइव लाख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट शॉर्टकट इज वन लाख 12,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड बियॉन्ड टेन लाख इट विल बी थर्टी परसेंट क्या तुम्हें याद है इसके बाद हम लोगों ने नोट्स पढ़ी थी कुल मिलाकर के छह नोट्स पहली नोट आपकी थी रिबेट की

50 lakh to 1 crore the surcharge rate is 10% whether or not having a special income then beyond 1 crore up to 2 crore the surcharge rate is 15% whether or not you have a special income beyond 2 crore rupees for 111a 112a and dividend income the surcharge rate would be 15% and for other income it will be 25% then

हमारे यहां पे छे नोट क्या हुए मालिक खत्म हुए कुछ क्वेश्चंस आपके बुक के पीछे भी है हमें उसे भी देखने पड़ेंगे यहां पे आपके छो के छो नोट खत्म हुए चार्ट और नोट का पूरा कंपैरिजन खत्म हुआ अब हमें क्या करना है अब हमें लिखना है वो जो दूसरा पार्ट था मतलब कौन से वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल रेसिडेंट सिक्सटी और अबव अप टू 80 ईयर्स की आई थिंक ये मिडिल वाला पार्ट था आपके पूरे इसके अंदर में चार्ट के अंदर में अब मैं इस पार्ट पे आ चुका हूं सभी लोग इस पार्ट के ऊपर आ जाओ पर्टिकुलर्स रुपीज शॉर्टकट इसे रुपीज डालने के बदले परसेंटेज डालो तो भी चलेगा

Shortcut 1 lakh 10,000 and above 10 lakh 30 percent dash. So, up to 3 lakh rupees there is no tax. 3 lakh to 5 lakh 5 percent the shortcut is 10,000. 5 lakh to 10 lakh 20 percent the shortcut is 1 lakh 10,000 and above 10 lakh That will be 30 percent. All notes remain same. सारे नोट्स वुड रिमेन सेम अब देखिए क्या हुआ साहब जितने नोट्स थे नीचे के पूरे नोट्स इन सबके लिए भी कॉमन है सिर्फ एस की एज अगर बढ़ गई यानी ऐसे टाइप में प्रॉब्लम में वेर यू नीड टू फोकस इज यू गिवन एंड इज एज इज गिवन एंड इज सिक्सटी और दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्लैबरेट is नॉन रेसिडेंट इवन इफ इट इज सीनियर सिटीजन फर्स्ट कैटेगरी के अंदर में जाएंगे हम लोग इस केस में हम लोग सेकेंड कैटेगरी के अंदर में आएंगे सो दिस कैटेगरी पर्टिकुलरली बिलोंग्स कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जहां बारह हजार लिखते थे वहां 10,000 लिख दोगे शॉर्टकट के अमाउंट बदले हैं बिकॉज स्लैब रेट बदले हैं यस बाकी कैलकुलेशन रिमेन्स सेम पूरा का पूरा कैलकुलेशन वुड रिमेन सेम आइए एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर सेवन एवरीबॉडी एग्जांपल नंबर सेवन पीजीबीपी सेवन करोर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए वन करोर असेसी मिस्टर माउस एज 67 रेसिडेंट देन लेट्स से डिविडेंट इनकम वन करोड़ कंप्यूटर द टैक्स कंप्यूटर द टैक्स अब ऐसे केसेस के अंदर में आपको भी पता है स्पेशल इनकम आपको यहां पे एक दिख रही है एक तरीका ये दूसरा तरीका कुछ ऐसा यूज कर लो पर्टिकुलस रुपीज परसेंटेज टैक्स चार्ज टोटल टैक्स सेस एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फाइनल टैक्स ऐसा भी हो सकता है पर्टिकुलर्स में सबसे पहले डाल दो नॉर्मल इनकम आपकी नॉर्मल इनकम कितनी हुई सेवन प्लस वन एट करोड़ रुपीज नॉर्मल स्लैब रेट अब नॉर्मल स्लैब रेट से एट करोड़ के ऊपर टैक्स निकाल के डायरेक्ट टैक्स फिगर यहां पे डालो डायरेक्ट टैक्स फिगर यहां पे डालो चेक दिस आउट ज द टैक्स करेक्ट कैसे आया ये टैक्स एट करोड़ में से पहले दस लाख का टैक्स आ गया एक लाख दस हजार रुपए आपका बैलेंस बचा सेवन पॉइंट नाइनटी करोड़ इस पे थर्टी परसेंट ये फिगर गलत है एट करोड़ पे टैक्स निकालिए एट करोड़ पे टैक्स निकालिए दिस कम्स टू उिटक दिस आउट इज दिस योर टैक्स ये हुआ आपका नॉर्मल टैक्स फिर आया स्पेशल कैटेगरी वन करोड़ पे फिफ्टीन परसेंट या फिफ्टीन लाख अब सरचार्ज की बारी सरचार्ज की बारी नॉर्मल पे कितना डिविडेंड पे कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना क्या मैं कह सकता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पंद्रह परसेंट आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पंद्रह परसेंट आएगा ये आ गया पंद्रह परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पंद्रह परसेंट आएगा ये आ गया पंद्रह परसेंट डिविडेंड इनकम के ऊपर पंद्रह परसेंट आएगा डिविडेंड इनकम के ऊपर आप अलग से टैक्स निकाल सकते थे डिविडेंड इनकम के ऊपर आप अलग से टैक्स निकाल सकते थे आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो दूसरे फॉर्मेट को यूज कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट को यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट गिव मे मिनट इसको अगर अपन अलग अलग करें तो ज्यादा बेटर होगा येस yes, इसको अलग अलग यूज कर ले तो ज्यादा बेटर होगा जस्ट गिवे मिनट डिविडेंड के ऊपर कितना निकलेगा पंद्रह परसेंट और नॉर्मल इनकम के ऊपर कितना निकलेगा मैंने गड़बड़ करी है इधर बहुत खिचड़ी बन गई है इस खिचड़ी को मैं जरा सा क्लियर कर दूं जस्ट अ मिनट ये फॉर्मेट के लिए लगेगी जगह थोड़ी सी कैन एनीबड़ी टेल मी कि ये कितना निकलेगा और कहां से आएगा एनीबडी यहां पे है मेन जस्ट चेक इट आउट डू वन थिंग इस चीज को रखो एज इट इज एक और चीज मुझे आपको बतानी पड़ेगी इस चीज को रखो एज इट इज मैं इसका आपको फॉर्मेट क्लैरिफाई कर देता हूं सबसे पहले इस चीज को रखो एज इट इज मैं आपको फॉर्मेट क्लैरिफाई कर देता हूं क्योंकि ये फॉर्मेट सेम हमें आगे भी यूज करना पड़ेगा ऑन सेवन करोड़ ऑन वन करोड़ दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं सेवन करोड़ में से पहले टेन लैख माइनस कर दो सिक्स पॉइंट नाइनटी यहाँ एक लाख दस हजार रुपए आ गए इंटू थर्टी परसेंट यहां पे आ गया डिवीजन टैक्स का डिवीजन एक मिनट फॉर्मेट यहां पे मैं दोबारा बना रहा हूं पीजीबीपी डिविडेंड डिविडेंट इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पीजीबीपी को सेवन करोड़ का इनकम इसे इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है इसके ऊपर टैक्स वन करोड़ एंड व्हाट वाज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वन करोड़ टैक्स रेट यहां फिफ्टीन परसेंट सेवन करोड़ के ऊपर टैक्स रेट निकालिए निकालिएस इस पे मैं डायरेक्टली थर्टी परसेंट ले रहा हूं एक करोड़ पे और इस पे पंद्रह परसेंट के हिसाब से स्ट्रेट अवे अब निकालिए इस पे सरचार्ज आप दोनों केस में देख सकते हो आपका आंसर वही आएगा आंसर देख लो आपका वही आ रहा है तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी आपकी सरचार्ज रेट इस पे आएगा कितना परसेंट थर्टी सेवन परसेंट फॉर्मेट ये ज्यादा इजी होगा चेक इट आउट इस पे आपका सरचार्ज होगा 15 परसेंट पे आपका सरचार्ज होगा 15 परसेंट दिस विल बी टैक्स दिस विल भी सरचार्ज चेक कर लीजिए हमने सिर्फ अलग अलग कर दिया ये फॉर्मेट मैंने क्यों यूज नहीं किया क्योंकि यहां पर सिर्फ नॉर्मल में मैंने कैटेगराइज कर दिया था इंस्टेड एग्जामिनर को अलग अलग दिखाओ ज्यादा बेहतर रहेगा पीजीबीपी डिविडेंड इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब यहां पर निकाल दो इसकी टोटल आया टू एट फाइव जीरो नाइन सेवन डबल जीरो थर्टी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड या वन लैख सॉरी सेवेंटीन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इस पे एचईसी जोड़ लो एट द रेट ऑफ फोर परसेंट यहां पे आपका टोटल निकल जाएगा ऐसे कैलकुलेशन ऑब्वियस बात है अमाउंट्स में बड़े ही रहते हैं पर डरने का नहीं मालिक किसी बच्चे ने मुझसे पूछा दस लाख डिविडेंड में से दस लाख क्यों नहीं सब्सट्रैक्ट किए अरे भैया नॉर्मल इनकम से हमने ऑलरेडी दस लाख सब्सट्रैक्ट कर दिए थे दोबारा थोड़ी नहीं करते बेटा समझे कि नहीं समझे थ्री फाइव जीरो थ्री टू जीरो एट एट थ्री करोड़ फिफ्टी लाख 3000 सॉरी 3200088 वापस से इस पूरे कैलकुलेशन को ध्यान से देखना ठीक है इस पूरे कैलकुलेशन को ध्यान से देखना हमने जब चालू किया तो कई बार हमें समझ में आता है कि ये फॉर्मेट पर्टिकुलरली सही नहीं है वैसे इस बार हमारे साथ भी हुआ कि हमने इस फॉर्मेट को क्लेरिफाई किया फॉर्मेट को क्लेरिफाई क्यों करने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे पास दो इनकम ऐसी थी क्योंकि हमारे पास बेटा दो इनकम ऐसी थी राइट जिसके ऊपर सरचार्ज रेट अलग था और एक इनकम ऐसी थी जिसके ऊपर सरचार्ज रेट अलग था तो हमने क्या किया हमारे फॉर्मेट जो थे इसे बहुत प्योरली क्लैरिफाई किया सर कैसे क्लैरिफाई किया हमने फॉर्मेट को मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हमने क्या किया जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे प्रॉब्लम बहुत ध्यान से सुनेंगे ठीक है हमारे पास तीन कैटेगरी ऑफ इनकम थी पीजीबीपी डिविडेंड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये ये मैंने आपसे कल ही कहा था कि मैं आपको एक और दूंगा। ये और बेहतर बेहतर फॉर्मेट फॉर्मेट दूंगा है एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करने के लिए उसको बताने के लिए कि मुझे हर कैटेगरी के सरचार्ज को सेपरेटली निकालना आता है अब क्या किया हमने हमारे पास टोटल इनकम थी जो नॉर्मल इनकम थी वो थी बॉस एट करोड़ रुपीज यह हमारे पास नॉर्मल इनकम थी इसके ऊपर अगर हम नॉर्मली भी टैक्स निकालते तो कितना आता आप चेक कर लो एट करोड़ के ऊपर एट करोड़ के ऊपर अगर हम नॉर्मली निकालते ध्यान से सुनना अगर हम नॉर्मली निकालते तो एट करोड़ के ऊपर कैसे निकलता है इसमें से दस लाख माइनस कर देते जैसे ही अपन ने दस लाख माइनस किया यहां पे आता एक लाख दस हजार रुपए बचता यहां पे सेवन पॉइंट नाइन सी इस पे थर्टी परसेंट लगाते यह कितना आता और इसमें टोटल ऐड कर देते तो आता 23 लाख सॉरी 2 करोड़ 38 एट लैख टेन थाउजेंड बराबर है अब हमने ही क्या किया क्योंकि डिविडेंड पे हमें सेपरेटली सरचार्ज लगाना था तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम इसे अलग अलग करें तो अब हमने क्या किया सात करोड़ पे टैक्स निकाला सात करोड़ में से ही दस लाख का जो पहला बेनिफिट माइनस करना होता है सारा दस लाख तक का टैक्स हमें करना होता है वो हमने सेवन करोड़ के केस में ही कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं किसी में से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमने सेवन करोड़ में से ही कर डाला उसको जैसे ही आपने सेवन करोड़ में से कर लिया उसके बाद आपका टैक्स देखो इसी को, इसी को हमने स्प्लिट किया इसी को हमने स्प्लिट किया सेवन करोड़ पे अलग से टैक्स निकाला सेवन करोड़ का टैक्स देखो आता है टू जीरो एट कैसे चेक कर लो सेवन करोड़ में से ध्यान से सुनना सेवन करोड़ में से हमने टेन लाख रुपए स्ट्रेट माइनस कर दिए जहां तक का टैक्स आता था एक लाख दस हजार रुपए और बचे हुए में तीस परसेंट का टैक्स निकाल दिया दोनों टैक्स मिला करके आया टू करोड़ एट लाख टेन थाउजेंड रुपीज यह आ गया यहां पे अब जब मैं एक करोड़ पे टैक्स निकाल रहा हूं मैं दोबारा तो दस लाख माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे नॉर्मल इनकम में ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूं अरे मालिक आया क्या हम इसे ऑलरेडी नॉर्मल इनकम में से माइनस कर चुके हैं डिविडेंट इज ऑल्सो नॉर्मल इनकम बस इस पर सरचार्ज रेट अलग है इसलिए उसको शो अलग करने की जरूरत थी तो हमने क्या किया एक करोड़ पे यानी बैलेंस एक करोड़ पे डायरेक्ट तीस परसेंट लगा दिया तुम किसी भी कैलकुलेशन के साथ कर लो बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा इस पर डायरेक्टली लगा दिया और इसको निकाल दिया हमने तीस लाख रुपए आप दोनों की टोटल करोगे वो आपको एग्जैक्टली exactly सेम ही मिलने वाली है एग्जैक्टली exactly सेम ही मिलने वाली है क्योंकि मैंने दस लाख रुपए एक जगह से माइनस कर दिया तो बैलेंस जितनी इनकम बच गई ओवर एंड अबाउट टेन लाख रुपीज इस पर डायरेक्ट थर्टी परसेंट लगा दिया मैंने यहां पे डायरेक्ट थर्टी परसेंट का कैलकुलेशन कर लिया ये आ गया दोनों का टैक्स अब डिफरेंस कहां हुआ यहां का सरचार्ज थर्टी सेवन परसेंट था लेकिन यहां का सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट था यहां डिफरेंस आया तो हमने यहां पे 37 परसेंट सरचार्ज लगाया विच कम्स टू रुपीज सेवन लैख सॉरी सेवेंटी सिक्स लैख नाइनटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिविडेंड पे हमने सरचार्ज निकाला पंद्रह परसेंट के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो वैसे ही क्लियर था इसके ऊपर टैक्स निकाला पंद्रह परसेंट सरचार्ज प्लस टैक्स को जोड़ के आ गया हमारा टोटल सरचार्ज और टैक्स को जोड़ दिया तो हमारा आ गया टोटल और इस टोटल पे हमने चार परसेंट का एच लगा दिया चाहे इनकम कोई भी हो बस अलग अलग शो कर दिया एच को और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आपके सामने रख दी यहां कोई डाउट है तो अभी ही पूछ लो यहां किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो बिल्कुल बराबर बोल रही है बेटा दीपिका एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इसीलिए हमें ये अलग अलग करना पड़ा नहीं तो हम अलग अलग नहीं करते जो हम पहले फॉर्मेट सॉल्व किए थे एट करोड़ वाला हम सेम फॉर्मेट उठा लेते लेकिन वो फॉर्मेट को अप्लाई करने के बाद हमें समझ में आया दैट एग्जामिनर को ज्यादा क्लैरिटी इस चीज में मिलेगी एग्जामिनर क्लियर कट समझ पाएगा कि हाँ ये जो बच्चा है इसे पता है डिविडेंट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिविडेंट का टैक्स रेट नॉर्मल ट है पर डिविडेंड का सरचार्ज रेट जो है ये पंद्रह परसेंट ही है इसीलिए हमें उसे अलग अलग दिखाना जरूरी हो गया अच्छा जी एक और चीज जो इस प्रॉब्लम में बची है वो भी आपके सामने क्लियर कर दू इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी क्या सर बिल्कुल पड़ेगी साहब सर इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल पड़ेगी साहब थ्री करोड़ फिफ्टी लैख थर्टी टू थाउजेंड जीरो नाइन जीरो जीरो नाइन जीरो राइट और कोई है दस लाख वाला फिर से बता दू आपको अनुजा ध्यान से सुनो मेरा टोटल आठ करोड़ है इधर देखो बेटा इधर देखो ये कैलकुलेशन यहां किया है मेरे पास एक तरीका है कि मैं आठ करोड़ पे टैक्स निकालू वो कितना आ रहा है टू करोड़ थर्टी एट लैख टेन थाउजेंड रुपीज मैंने बस इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने सात करोड़ पे अलग टैक्स निकाल दिया एक करोड़ पे अलग टैक्स निकाला ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि डिविडेंड पे सरचार्ज रेट पंद्रह परसेंट का है जबकि पीजीबीपी के ऊपर सरचार्ज रेट थर्टी सेवन परसेंट का है तो एग्जामिनर को हमें अलग अलग दिखाना होगा हम ऐसा कर रहे हैं मेगा कहती है सर हम एक करोड़ से दस लाख रुपए माइनस करते तो क्या आता आंसर बेटा आप कैलकुलेट करके देखो तब भी आंसर सेम आता आप ट्राई करके देख लो तब भी आपका आंसर सेम आता हमें आठ करोड़ पे टैक्स निकालना है आप यह बात समझिए हमें आठ करोड़ पे टैक्स निकालना है बराबर है हाँ, हां ऐसा हो सकता है कि आप किससे माइनस करने की कोशिश करेंगे कि भैया यू नो डिविडेंट में पहले एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अदर में पहले एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे वो आप भले ही कर सकते हो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट टैक्स तो आपका कॉमन ही आता साहब यस मालिक चलो एक और सेम एग्जाम्पल लेते हैं एक और सेम एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवन पॉइंट टू मिस्टर राज एज 80 ईयर्स सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम पीजीबीपी 8 करोड़ रुपीस डिविडेंड इनकम 1 करोड़ रुपीस, लेट्स से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए वन करोड़ रुपीस करिए इस फॉर्मेट से सॉल्व करो अब इस फॉर्मेट से सॉल्व फॉर्मेट हमने क्लियर कर दिया इस बार फॉर्मेट क्या रखेंगे जल्दी से बताओ पर्टिकुलर्स रखेंगे इसके बाद में इनकम रखा जाएगा इसके बाद में टैक्स रखा जाएगा टैक्स के बाद रखो सरचार्ज इसके बाद रखो इस पे टोटल फिर रखो एच फिर करो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी ये ज्यादा नीट एंड क्लीन फॉर्मेट है अब आप करके देख लो चलो जल्दी करके देखो एटी ईयर्स को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको सेवेंटी कर रहा हूं चलो जल्दी से करके देखो पर्टिकुलर्स इनकम टैक्स सरचार्ज टोटल एचईसी एंड लाइबिलिटी सेम फॉर्मेट में हम इसे कर रहे हैं अलग अलग कर लो पीजीबीपी डिविडेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन है कितना इनकम है एट करोड़ वन करोड़ वन करोड़ चलिए साहब सॉल्व कीजिए सॉल्व करके फटाक से बताओ कितना आ रहा है अब देखो यहां तक जिस बच्चे को नहीं समझा नौ करोड़ के ऊपर जो तुम्हारा टैक्स रेट है ये टैक्स रेट नॉर्मल ही है ये टैक्स रेट नॉर्मली ही है बराबर है अब दो कैटेगरी के बच्चे मिल सकते हैं एक जो कहेंगे सर जब नॉर्मल है तो एक करोड़ में से आप क्या कर लो एडजस्ट कर लो पिछले प्रॉब्लम में हमने सात करोड़ में से दस लाख एडजस्ट किए थे इस प्रॉब्लम में आप कहोगे एक करोड़ में से एडजस्ट कर लो बराबर है कैसे भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखिए सरचार्ज रेट सरचार्ज रेट ध्यान लगाइए पहले ध्यान लगाइए इस को समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं पीजीबीपी में से दस लाख एडजस्ट कर लो वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पीजीबीपी इनकम अगर कम हुआ ध्यान से सुनो सभी लोग जिनको ये सवाल आ रहा था कि एक करोड़ में से दस लाख माइनस कर लेंगे तो क्या होगा होगा कुछ नहीं पर मैं आपको बताता हूं होगा क्या आपको अगर लग रहा है कि कुछ नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने ऐसा क्यों किया अदर इनकम का सरचार्ज रेट थर्टी सेवन परसेंट है जबकि डिविडेंड का सरचार्ज रेट फिफ्टीन परसेंट ऑलवेज बेटर कि तुम पहले पीजीबीपी पे में से दस लाख एडजस्ट कर लो इससे तुम्हारा सरचार्ज वाला जो पॉइंट है ये बच जाएगा समझ में ही बात सरचार्ज वाला जो पॉइंट है ये बच जाएगा क्या ये टैक्स आ रहा है चेक कर लीजिए क्या ये टैक्स आ रहा है डिविडेंड पे डायरेक्ट थर्टी परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फिफ्टीन परसेंट ये हो गया टैक्स इस पर निकालो सरचार्ज डज दिस कम्स टू दिस So the final total is three crore ninety three lakh 06 that is six thousand four eighty eight after round of three crore ninety three lakh सिक्स आई होप एवरीबडी गॉट दिस आंसर अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सिचुएशन में हमने पहले किससे एडजस्ट किया पीजीबीपी से एडजस्ट किया अब सेम चीज किससे करके देखते हैं डिविडेंड से करके देखते हैं है, दस लाख रुपए माइनस समझते हैं अपने लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा समझते हैं अपने लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि डिविडेंड में से अगर एडजस्ट कर देते तो क्या होता एवरीबडी आर यू रेडी इस लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए ये लर्निंग अभी अपन ने किससे एडजस्ट किया दस लाख रुपए एट करोड़ से एडजस्ट किया कई बच्चों के मन में स्टिल वो सवाल है कि मैं इसे डिविडेंड से एडजस्ट कर दूं तो क्या होगा ये लर्निंग एक्सपीरियंस है क्या आप ये लर्निंग एक्सपीरियंस का अनुभव लेना चाहते हैं बोलो हाँ यहां मैं चाहता हूं कि आप इस लर्निंग एक्सपीरियंस को ले कि हम डिविडेंड से क्यों एडजस्ट नहीं करें वो दस लाख बोलो करें ये लर्निंग एक्सपीरियंस हा यहां चलो जी ये हुई ना बात और इफ एडजस्टेड टू डिविडेंट अब क्या होता अगर हम डिविडेंट से इसे एडजस्ट कर देते तो क्या होता पीजीबीपी जीबीपी डिविडेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ठीक है एट करोड़ वन करोड़ वन करोड़ ये हुई आपकी इनकम अब आते हैं इसके ऊपर के टैक्स को लेकर के एक करोड़ में से पहले दस लाख माइनस करते बैलेंस पे तीस परसेंट लगाते टोटल टैक्स आता ट्वेंटी एट लैख टेन थाउजेंड का बैलेंस एट करोड़ पे थर्टी परसेंट लगता तो आपका टोटल टैक्स बनता टू करोड़ फोर्टी लैक्स ,00 का और यहां बनता 15 लाख का अब लगाते इसके ऊपर सर चार्ज अब लगाते इसके ऊपर सरचार्ज इस पे एचईसी भी लगाते हैं टोटल आता थ्री करोड़ फोर्टी वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री करोड़ फोर्टी वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इसके ऊपर सरचार्ज आता इसके ऊपर सेस आता फाइनल टोटल कर लो साहब थ्री करोड़ नाइनटी थ्री लैख फोर्टी जरा दोनों के बीच का गैप देख लीजिए आप फुल रिस्पेक्ट देंगे साहब कितने का डिफरेंस आ रहा है ये देखिए और इसीलिए मैं कह रहा था डिविडेंड से ना एडजस्ट करके वहां से एडजस्ट करो क्यों क्योंकि आपको दिखेगा 37 परसेंट का सरचार्ज ज्यादा अब आएगा आपके मन में फुल रिस्पेक्ट ये देखो अगर हम इसे नॉर्मल इनकम से एडजस्ट करें तो ये कभी भी बेहतर है क्यों बेहतर है क्यों बेहतर है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि यहां पे जो सरचार्ज रेट है ये 37 परसेंट का है जबकि यहां पे सरचार्ज रेट है ये 15 परसेंट का है हम क्लाइंट का कभी भी टैक्स बचाएंगे उसको 37 परसेंट से बचाना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू 15 बिकॉज इसमें इफेक्टिव टैक्स सेविंग आएगा इसमें इफेक्टिव टैक्स सेविंग आएगा ये है उसका प्रूफ आप देख सकते हैं दोनों में से किसी में भी एडजस्ट करो लेकिन हम कभी भी इस मॉडल में जाना चाहेंगे क्लाइंट के लिए क्योंकि यहां पे क्लाइंट का टैक्स बच रहा है यहां पे क्लाइंट का टैक्स बच रहा है अब मुझे बताओ समझ आया कि हम उसमें से क्यों एडजस्ट कर रहे हैं और डिविडेंड से क्यों एडजस्ट नहीं कर रहे जितने बच्चे बोल रहे थे डिविडेंड से क्यों एडजस्ट नहीं कर रहे आपके सामने सेम प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व करके देखा मैंने जब मैं सेम प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व करके देखा तो आप क्लियर कट समझ जाओगे अब आया फुल रिस्पेक्ट अब बताओ क्लाइंट जब हमारे पास आएगा वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा अब देखो इसका पैसा कैसे बनाना मैं तुम्हें वो सिखाता हूं अब जरा ध्यान से सुनना इसका पैसा कैसे बनाना मैं तुम्हें अब ये सिखाता हूं देख बेटा गंदा है पर धंधा है ये पर इसका पैसा बन सकता है तुम्हारे ऑफिस के अंदर में मैं आपको बताता हूं ऐसा ऐसा अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया पर कई लोग ऐसा करते हैं मार्केट के अंदर में जरा ध्यान से सुनना कई लोग ऐसा करते हैं मार्केट के अंदर में ध्यान से सुनो होता क्या है जब क्लाइंट आपके सामने आएगा और मान लो यही यही कैलकुलेशन लेकर के आया कि पीजीबीपी आया आठ करोड़ रुपए डिविडेंड आया एक करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया एक करोड़ रुपए अब जैसे ही क्लाइंट आकर के बैठा है जरा दो मिनट के लिए शांति रखना दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना और देखो सेम कंसेप्ट का पैसा बनाना सिखाता हूं तुम्हारे को मार्केट के अंदर में जब क्लाइंट आएगा तब तुम्हारे को तो तुम्हारे पास तो आइडिया आ जाएगा तुम्हारे को पता रहेगा क्योंकि तुमने अपने भाई से पढ़ा है तुमने अपने भाई से पढ़ा है तो तुम क्या करोगे एक बार उसको तुमको हमेशा से पता रहेगा इसको पीजीबीपी से एडजस्ट करने पे कम टैक्स आता है और इसको डिविडेंट से एडजस्ट करने पर ज्यादा टैक्स आता है बराबर अब क्या करना मैं आपको बताऊं क्लाइंट के सामने क्लाइंट के सामने सबसे पहले ज्ञान के डिविडेंट से एडजस्ट करना ज्ञान के डिविडेंट से एडजस्ट करना जब डिविडेंट से एडजस्ट करोगे तो उसका टैक्स आएगा थ्री लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड सॉरी थ्री करोड़ नाइन्टी थ्री लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन सिक्सटी बराबर है अब तुमने लगाना दिमाग तुम्हें पता है कि अगर इसे पीजीबीपी से एडजस्ट करे तो ज्यादा आएगा क्लाइंट को बोल देना थ्री करोड़ नाइन्टी थ्री लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन सिक्सटी आ रहा है सर और थोड़ा सा ऐसा उठना जानबूझ के कभी भी आपने देखा होगा सीए के ऑफिस में या प्रोफेशनल के ऑफिस में ऐसा होता है उठना और कोई तो भी बुक निकालना कोई तो भी बुक निकाल करके ऐसे पढ़ना जान मुझके और फेशियल एक्सप्रेशन का गेम है सारा गेम फेशियल एक्सप्रेशन का है कुछ तो कैलकुलेटर उठाना उसके सामने सर सा देखो टैक्स बचाना तो मुश्किल है बट फिर भी आप मेरे को आधी से एक घंटे का टाइम दो मैं आपको कुछ तो टैक्स आ, ट्राई करता हूं बचाने का मैं आपका कुछ तो टैक्स ट्राई करता हूं बचाने का बट आप मेरे को थोड़ा सा समय दो टैक्स का डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो यार सेवेंटी क्लाइंट जैसे ही गया आधे घंटे बाद उसको फोन करने का सर मुझे एक तरीका मिला है मैं आपका बीस हजार टैक्स सेव कर सकता हूं लेकिन फीस थोड़ा सा पांच हजार की जगह सात हजार रुपए लगेगी अगर आप बोलते होंगे तो मैं आपका बीस हजार का टैक्स सेव कर सकता हूं वहां पे वो अपना कैलकुलेशन पे दिमाग लगाएगा ये बीस हजार बचा रहा है बदले में कितने ले रहा है दो हजार नेट फिर भी मेरे अठारह हजार बच रहे हैं वो आपको बोलेगा जी सर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं दो हजार अपन एक्स्ट्रा दे देंगे स्टिल तुम्हारे पास कितने का स्कोप है तेवीस हजार का स्कोप है शाम में फिर उसे एक कॉल करना सर एक और तरीका मिला है मैं आपके और तेवीस हजार रुपए कम कर सकता हूं लेकिन मुझे दो हजार रुपए और लगेंगे सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सब कुछ एडजस्ट करने के लिए मुझे दो हजार और लगेंगे वो फिर कैलकुलेशन करेगा साला 23000 हजार बचा रहा है और बदले में सिर्फ दो हजार ले रहा फिर भी मेरा नेट ट्वेंटी वन थाउजेंड बच रहा है सर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस बात को सोच के खुश होगा कि उसने चार हजार रुपए एक्स्ट्रा दिए लेकिन चालीस हजार बचाए क्या बेवकूफ सी ये था और हम बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं ये हमें ही पता है कि हमने यह टैक्स प्लानिंग करके क्या किया और क्या नहीं किया यह हमें ही पता रहेगा कि हमने यह टैक्स प्लानिंग करके क्या किया और क्या नहीं किया लेकिन उसके उसको ऐसा आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा एक भारी लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई फुल रिस्पेक्ट यही थे वो जिसने अपने बीस हजार रुपए सेव करे चालीस हजार रुपए सेव करे एंड यू विल बी लाइक भाई तुच चार लोगों को फोन करेगा एक बहुत भारी का चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला है अपने को एक बहुत भारी का आदमी मिला है अपने को ये भयानक टैक्स सेव करके दे सकता है चार लोगों को और फोन करेगा चार और क्लाइंट आएंगे अच्छा इसमें बिजनेस बढ़ाने का एक और तरीका बोलने का के सर मैं आपके चालीस तो बजा सकता हूं भाभी जी का रिटर्न भरा है क्या वो बोलेगा भाभी जी का रिटर्न का क्या संबंध सर भाभी जी का भी रिटर्न भरी है ये तो मैं आपको कम करवा ही रहा हूं चीजें रेगुलराइज करनी पड़ेंगी पीछे का मोटिव आप समझ रहे हैं चीजें रेगुलराइज करनी पड़ेंगी काम खत्म एक आध एंट्री भाभी के इसमें करवा देने का टैक्स तो वैसी कम हो रहा है टैक्स तो वैसी कम हो रहा है भाभी के रिटर्न का पैसा अलग जाएगा भाभी के अकाउंटिंग का पैसा अलग जाएगा भाई की अकाउंटिंग का पैसा अलग रिटर्न का पैसा अलग और कैलकुलेशन का अलग कई लोग ऐसा करते हैं अपन ने ऐसा नहीं करना बेटा एथिक्स एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ सर एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन बुक्स प्रैक्टिकल मार्केट में जो होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं और ये है प्रैक्टिकल मार्केट यस और नो अच्छा तो सर इस तरीके से ये हो सकता है वैसे अपन ने आज तक मार्केट में ऐसा कभी नहीं किया अपन बेचारे एकदम सीधे लोग अपन ने कभी आज तक ऐसा नहीं किया अपने को बहुत डर लगता से है टैक्स वैक्स है अपन ने हाथ तक ऐसा नहीं किया बट आई होप सभी बच्चों को ऊपर से नीचे तक के भाई साहब पूरा क्लियर हो चुका होगा दैट वाई यू शुड एडजस्ट इट अगेंस्ट पीजीपीपी रादर देन डिविडेंट गेटिंग इट और नॉट सो सर इस तरीके से इस चीज का पैसा भी बनता है मार्केट के अंदर में मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको टैक्स सिखाना नहीं मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी सिखाना है कि ये जो क्लास की फीस तुम भरने वाले हो उसको रिकवर कैसे करना है ये सो नो चले प्रभु आगे बढ़ते हैं ये समझ में आया आपको मतलब बाकी सारी चीजें रिमेन सेम एवरीथिंग रिमेन सेम ये नो दिस विल बी द केस होल केस ये नो लास्ट पार्ट पे आ जाइए कोई बच्चा मुझसे सवाल पूछेगा सर क्या आप प्रैक्टिस करते हैं क्या मैं इसका भी जवाब दे दू हां सर आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट टेन ईयर्स हमारा फर्म है पुणे के अंदर में है नागपुर के अंदर में है देन जामनगर के अंदर में है फॉर्म so मैं भी प्रैक्टिस करता हूं तभी आपको इतनी चीजें बता पा रहा हूं आईसीएआई किस चीज को सही मानेगा बाई डिफॉल्ट में इसी चीज को सही मानना चाहिए उनने भी और मानेगा क्यों क्योंकि ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी इसी से कम होती है टैक्स निकालने का कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आप हायर निकालें टैक्स निकालने का ऑब्जेक्टिव होता है कभी भी आप सही निकालें तो टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है दिस विल बी द बेस्ट थिंग यस अच्छा सर फर्म नेम वगैरह भी बता दो हम अगर कभी आर्टिकल चिप करना चाहे तो अलग से आइए अलग से बता पाऊंगा यहां अगर बता दिया तो प्रोफेशनल एथिक्स लग जाएगा चलिए साहब अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी चार्ट में वापस आओ इंडिविजुअल रेसिडेंट और एब इसे कानूनी भाषा में कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन कानूनी भाषा में इसे कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन क्या कहा जाता है बोलो बेटा सुपर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अप टू फाइव लैख ये वो लास्ट कैटेगरी है नील ट्वेंटी परसेंट लीजिए सर इस कैटेगरी में आने के लिए तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है पर्सन जिंदा होना चाहिए जिंदा होने के बावजूद कमा रहा होना चाहिए और उसकी इनकम पांच लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए अगर ये तीन कैटेगरी में वो फिट हो जाता है तो यस वो यहां पे आ सकता है अगर वो इन तीन कैटेगरी में फिट हो जाता है तो यस वो यहां पे आ सकता है ऑल नोट्स रिमेन सेम नीचे के जो तो छो नोट है वो एज इट इज रहेंगे कैलकुलेशन बिल्कुल आप जैसे करते आए हो स्पेशल इनकम नॉर्मल इनकम सब कुछ वैसा रहेगा सिर्फ जो व्यक्ति 80 और है उसका रेट पांच लाख तक कोई टैक्स लगने वाला नहीं है पांच लाख से ऊपर डायरेक्टली ट्वेंटी परसेंट लगने वाला है और दस लाख के ऊपर तो वैसे भी थर्टी परसेंट है सो अब टेन लाख थर्टी परसेंट फाइव टू टेन लाख दैट विल बी ट्वेंटी परसेंट द शॉर्टकट विल वन लैख रुपीज शॉर्टकट विल बी वन लैख रुपीज गेम ओवर नाउ यू कैन सी द होल चार्ट इज कंप्लीट इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा पूरा चार्ट कंप्लीट हुआ है वापस से देखिएगा सबसे पहले पार्ट में आपको दिख रहा है इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी अरे दिख रहा है क्या अरे ये रहा 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 ये रह, ये रह, ये दिख रह, रह। रहा है क्या तुमको तुमको भी दिख रहा है क्या हाँ ये रहा इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी यहां पर एट्टी एंड अब तीनों के स्लैबरेट लिखे हैं नीचे और मे बी नेक्स्ट पेज पे छह नोट लिखी हुई है जो इस पूरे टैक्स कैलकुलेशन को अंजाम देती है डन सर जो इस पूरे टैक्स कैलकुलेशन को अंजाम देती है एंड गेम ओवर ये थे इंडिविजुअल एच यूएफ एओपीबीवाई एजेपी के टैक्स कैलकुलेशन यस yes और नो no? डन सर अच्छा जी अब आते हैं अब आगे आ जाओ आगे आ जाओ जरा ध्यान से सुनना फाइनेंस एक्ट 2020, ध्यान से सुनिएगा फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक और चीज करी टैक्स कैलकुलेशन में किए बदलाव ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने किया अस बिंग इंडिविजुअल एच एचयूएफ इनके लिए एक ऑप्शन दिया ऑप्शन दिया ऑप्शन दिया याद रखे एक नया सेक्शन लाया एंड दिस सेक्शन इज अ ऑप्शन दिस सेक्शन इज अ ऑप्शन ये एक नया टैक्स कैलकुलेशन आया है लेकिन इस सेक्शन को समझने के लिए सेक्शन 115 बी ए सी को समझने के लिए इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रोविजन आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे इसीलिए आप देख सकते हैं नोट्स में आइए आप देखो नोट्स में आओ रेगुलर नोट्स में जैसी आप आगे बढ़ोगे पेज नंबर 16 के ऊपर आओ यह देखो इंडिविजुअल और एच के लिए एक नया टैक्स कैलकुलेशन आया है एक नया स्लैब आया है लेकिन यह ऑप्शनल है ही नीड्स टू ऑप्ट दिस ऑप्शन मतलब ये ऑप्शनल है क्या हम इसे अभी पढ़ना चाहिए आंसर इज नो हमें इसे अभी नहीं पढ़ना है सर क्यों क्योंकि कई इनकम टैक्स के प्रोविजन ऐसे हैं जो पहले तुम्हें समझने पड़ेंगे तो तुम समझ पाओगे कि ये प्रोविजन आया कहां से है बहरहाल मैं आपको बता दू सीए फाइनल में इंटरनेशनल टैक्स पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छे से बता सकता हूं हो यह रहा था कि पिछले तीन साल से पिछले तीन साल से लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया स्लैबरेट बढ़ाओं नहीं बढ़ा रही थी और के लिए उन्होंने सरचार्ज रखा था अब ऐसे कई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी थे कई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी थे एचओ भी थे जो कह रहे थे कि यार हमारे लिए तो इतने ऑप्शन ही ओपन नहीं है मैक्सिमम सैलरी वालों को अगर आप देखा जाए तो उनको बहुत ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलते और अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो करीब ट्वेंटी परसेंट से ट्वेंटी थ्री परसेंट भारतीय जो वर्क कर रहे हैं उनमें सैलरीड एम्प्लॉयड है उनके लिए कोई बहुत ज्यादा डिडक्शन है ही नहीं ऐसे लोग सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए कोई डिडक्शन भी नहीं है बड़े आप ना हमें कोई डिडक्शन दे रहे हैं ना कोई एग्जामशन दे रहे हैं आप स्ट्रेट अवे हमारे टैक्स बढ़ा रहे हैं हमारे लिए कुछ कीजिए भारत सरकार ने इंटरनेशनल टैक्स की बात बताना उसी फाइनल में मेरे साथ फिर से पढ़ोगे इंटरनेशनल टैक्स के तहत जब देखा जाता है अमेरिकन टैक्स सिस्टम अमेरिकन टैक्स सिस्टम दो तरीके का टैक्स देता है एक नॉर्मल स्लैब रेट और दूसरा एक ऑप्शन देता है कि बॉस आपके टैक्स रेट हम कम कर देंगे लेकिन हम आपको फिर डिडक्शन और एग्जम्पन नहीं देंगे एक आपके टैक्स रेट हाई रखेंगे विथ डिडक्शन विथ एग्जाम ऑप्शन बी हम आपको डिडक्शन एग्जामशन नहीं देंगे पर आपके टैक्स रेट लो कर देंगे आप चूज कर लो आपके ऊपर ऑप्शन है सो so, इंडिया ने भी यूएसए का टैक्सेशन मॉडल अडॉप्ट किया फाइनेंस एक्ट 2020 से ध्यान से सुनना इस पॉइंट को इंडिया ने भी यूएसए का टैक्स मॉडल अडॉप्ट किया और हमने भी ऑप्शन दे दिए एक हायर रेट ऑफ टैक्स जो आपने मेरे साथ अभी पढ़ लिया जिसे हम कहते हैं स्लैब रेट जिसे हम क्या कहते हैं स्लैब रेट यहां पे आपको सारे डिडक्शन एग्जम्शन जो इनकम टैक्स में वेरियस सेक्शन में प्रोवाइडेड है ये सारे सेक्शन मिलेंगे उसके बाद ये टैक्स है ऑप्शन टू ऑप्शन टू हम डिडक्शन एग्जाम आपको नहीं देंगे और लोअर टैक्स ले लो सर तो ये लोअर टैक्स क्या आया है नीचे आओ नीचे आओ पेज नंबर नाइनटीन पे देखो अगर आप ऊपर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो लोअर रेट क्या है आपके लिए ढाई लाख तक के कोई टैक्स नहीं ढाई लाख से पांच लाख पांच परसेंट यहां तक के तो गाड़ी बिल्कुल सही थी लेकिन पांच लाख से साढ़े सात लाख टेन परसेंट जो अपने नॉर्मल स्लैब रेट्स में है ही नहीं सेवन पॉइंट फाइव टू टेन लाख फिफ्टीन परसेंट यह भी अपने नॉर्मल स्लैब रेट में नहीं है टेन टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैख ट्वेंटी परसेंट ट्वेल्व पॉइंट टू फिफ्टीन लैख ट्वेंटी परसेंट एंड अबाउ फिफ्टीन लैख थर्टी परसेंट लेकिन ये स्लैब अगर आपको लेना है तो ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा सर ये ऑप्शन कब चूज किया जाता है रिटर्न भरने से पहले ये ऑप्शन कब चूज किया जाता है रिटर्न भरने से पहले रिटर्न भरने से पहले इस बार के जो आई निकलेंगे उनमें आपको ऑप्शन होगा वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी और नॉट ऑप्टिंग जहां आपने नॉट ऑप्टिंग कर लिया आप आ गए नॉर्मल स्लैब रेट में और आपको डिडक्शन एंड एक्सम्शन बेनिफिट्स वेरियस गिवन इन द मिलेंगे दूसरा जहां आपने बोल दिया 115 एंड में हम आ रहे हैं कहा आ रहे हैं 115 एंड में आ रहे हैं तो बस मैट्रिक खत्म हो गया आपको डिडक्शन नहीं देंगे और ये वाला स्लैब रेट लगाएंगे ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये सेक्शन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं सर क्यों क्यों हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं जब आप नीचे जाओगे तो यहां पे कई कंडीशंस लिखी है देखिए क्या कंडीशंस है विदाउट एक्सम्पन और डिडक्शनोइंग प्रोविजन इन चीजों का डिडक्शन और एग्जाम मिलेगा लीव ट्रेवल हाउसेंट अलाउंस एमपीएम स्टैंडर्डक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्सेट्रा 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 इन सबकी मीनिंग ही अभी तक आपको नहीं पता है मैं आपको पढ़ा भी दू तो कोई मतलब नहीं आएगा इसीलिए हम इसे कहां लेंगे हम इसे एट देंगे जब हमारे डिडक्शन वाले टॉपिक भी ओवर हो जाएंगे ना उसके बाद हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे एज ऑफ नाउ हमें इस सेक्शन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आगे बढ़ने से पहले हम इसे वहां लेंगे तब तक कि आपको इस सारे वर्ड के मतलब समझ चुके होंगे इसको क्यों नहीं लेना है इसके भी रीजन समझ चुके होंगे आप हालांकि मैंने बुक में इसे शुरुआत में ही दिया है सर जब हमें पढ़ना ही इसे एंड में था तो आपने शुरुआत में क्यों दिया क्योंकि एक बार जब आपका पूरा टैक्स पढ़ के हो जाएगा उस टाइम पे आपको ये यही लगेगा क्योंकि उस टाइम पे एक बार आपको पता होगा किस चीज का मतलब क्या होता है तो आपके सामने दोनों ऑप्शन होंगे विथ डिडक्शन एंड नॉर्मल स्लैब रेट विदाउट विद हंड्रेड एंड सी अमेंडमेंट है जो फाइनेंस एक्ट 20 से आया है मे 21 नवंबर 21 जून 21 दिसंबर 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है नोट्स में मैंने सबसे आगे डाला है बेसिक चैप्टर में पर इसे अभी नहीं पढ़ना है इसे अभी नहीं पढ़ना है तो सर हम क्या करना है ध्यान से सुनिए एक नोट लिखनी है आपने आपने एक नोट लिखनी है नोट नंबर सेवन नोट नंबर सेवन आपने एक नोट लिखनी है नोट नंबर सेवन असेसी बींग इंडिविजुअल oblique huf are or individual huf has an option to opt for section 115 b a c इंडिविजुअल and एच has an एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर सेक्शन BAC as per बी Act. सी पर ट्वेंटी पर इसे अभी हमने नहीं पढ़ना है पहले हम बाकी चीजों के मतलब समझेंगे और बाकी चीजों के मतलब समझने के बाद इसे लेंगे तो ये ज्यादा सेंसेबल होगा इज दट डन प्रभु चलो सर इज दिस ऑप्शन नॉट फॉर अदर पर्सन अनुजा आपका बेटा सच में ध्यान नहीं रहता है पढ़ाते वक्त प्लीज एक बार ध्यान से देखा करो हम यहां पे बात ही कर रहे हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की जब हमने क्लियर कट कह दिया बेटा कि वो इंडिविजुअल और एच के लिए है तो अदर पर्सन के लिए मैट्रिक खत्म हो गया प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान देखो बेटा यहां पे कोई एज लिमिट नहीं है क्या मैंने आपसे कहा ये सेक्शन में आपको नहीं पढ़ा रहा तो हम उसके डिटेल में जा क्यों रहे हैं एज ऑफ नो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि देखो बेटा अभी मैं आपको पढ़ा दू ना मेरे को पढ़ाने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन इन चीजों के मीनिंग में से आपको कुछ भी नहीं समझेगा तो ना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा ना मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है गेटिंग इट और नॉट सो लीव इट सिर्फ इतना याद रखे हमने नोट नंबर सेवन में लिख दिया दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज हंड्रेड एंड फिफ्टी बी एस सी जिसे इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं ऑप्ट कर सकते हैं जिसे क्या कर सकते हैं ऑप्ट कर सकते हैं यस और नो यस और नो डन सर आइए अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन टैक्स रेट फॉर अदर्स एक फ्रेश पेज ले लो एक फ्रेश पेज पे लिखो टैक्स रेट फॉर अदर्स अदर्स में अब कौन कौन बचा हमने फर्म एल और लोकल अथॉरिटी का तो अब तक टैक्स रेट ही नहीं देखा आओ देख लेते हैं फर्म एल लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट क्या है अप टू वन करोड़ टोटल इनकम इनटू टू थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट बियॉन्ड वन करोड़ टोटल इनकम इंटू थर्टी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फोर परसेंट तो फर्म के लिए दो कैटेगरी हमारे पास खड़ी हो गई फर्म के लिए दो कैटेगरी हमारे पास खड़ी हो गई फर्म एलएलपी या लोकल अथॉरिटी अप टू वन करोड़ रुपीज अप टू वन करोड़ रुपीज टोटल इनकम इंटू थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट क्या अलग देखा आपने आपने अलग देखा कि हमने टोटल इनकम पे डायरेक्टली तीस परसेंट लगा दिया नो स्लैब रेट बेनिफिट ध्यान से सुनिए नो स्लैब रेट बेनिफिट जिसका मतलब फर्म को कोई स्लैब रेट बेनिफिट नहीं है फर्म को डायरेक्टली तीस परसेंट है एक रुपया भी कमाए तो तीस परसेंट टैक्स है एक रुपया भी कमाया तो तीस परसेंट टैक्स है सो फॉर एग्जाम्पल फर्म की इनकम लेट से फाइव लाख रुपीज है तो फाइव लाख ,00 पे थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट इज द स्ट्रेट अवे टैक्स कोई स्लैबरेट बेनिफिट नहीं अब आप ये पूछेंगे कि सर इनको बेनिफिट क्यों नहीं तो मैं आपको जवाब दूंगा बेटा मैं को बता चुका हूं यह जो स्लैब रेट डिसाइड किया गया है यह जनरली बीस हजार रुपए पर मंथ एक घर को लगता है उस हिसाब से किया गया है फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है इनके घर बार के खर्चे नहीं लगते हैं ऐसा सरकार अज्यूम करती है इसीलिए इनको नहीं दिया गया है एक करोड़ के बियॉन्ड नगर होगा तो तीस परसेंट इज द टैक्स रेट ट्वेल्व परसेंट इज सरचार्ज एंड एचईसी का फोर परसेंट तो आपको पता ही है जी हां सरचार्ज का रेट फर्म एल एल पी और लोकल अथॉरिटी के केस में ट्वेल्व परसेंट है सरचार्ज का रेट फर्म कंपनी लोकल सॉरी फर्म एल एल पी लोकल अथॉरिटी के केस में ट्वेल्व परसेंट है इफ द इनकम एक्सीड वन करोड़ रुपीस, इज दैट डन अब आते हैं हम लोग कंपनी के लिए कंपनी का टैक्स रेट कंपनी दो प्रकार की होती है ध्यान से सुनना कंपनी दो प्रकार की होती है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी की कंपनी दो प्रकार की होती है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी की अब आपको पहले पूरी हिस्ट्री समझनी होगी क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर में यहां पे हुआ है अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर में हुआ है यहां पे अमेंडमेंट जरा ध्यान से सुनना डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी राइट हुआ क्या क्या हिस्ट्री रही सुनो बेटा इधर एक समय था एक समय था अभी कुछ मत लिखना जो मैं समझाना सिर्फ वो समझना जब मैं बोलूंगा हम सीधा यहां लिखेंगे अभी पूरी हिस्ट्री समझा रहा हूं लिखना कुछ भी मत एक समय था कि कंपनी का टैक्स रेट हुआ करता था सीधा थर्टी परसेंट यह बात थी 2014 से पहले की सो प्री 2014, थाउजेंड एंड फोर्टीन वेन देर वॉज अ कांग्रेस गवर्नमेंट दैट टाइम द टैक्स रेट फॉर द कंपनीज अक्का डोमेस्टिक कंपनीज इट वाज 30% फिर आया 2014 के बड़े इलेक्शन जहां पे कुछ बदलने वाला था क्या बदलने वाला था मोदी गवर्नमेंट आने वाली थी तब के स्लोगन चल रहे थे अब की बार मोदी सरकार आप बड़े छोटे रहे होंगे तब तक के तब तक सोचा भी नहीं होगा कि कभी सीएम आए होंगे यस और नो तो 2014 में तब चल रहा था अब की बार मोदी सरकार मोदी सरकार ने एक वादा किया अपने प्री इलेक्शन मेमोरेंडम के अंदर में कि हम कंपनी के टैक्स रेट्स को लोअर कर देंगे यह हमारी गारंटी है कि हम कंपनी के टैक्स रेट को क्या करेंगे लोअर करेंगे 2014 का इलेक्शन होता है मोदी गवर्नमेंट जीतती है पहली बार नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने वादे को तो निभाना ही था पब्लिक का उस टाइम पे अलग लेवल का खुमार चल रहा था मोदी जी के लिए तो उन्होंने सीधा सीधा फाइनेंस मिनिस्टर देन फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली साहब को लेकर के आया इनके 2014 के स्पीच को अगर आप सुनेंगे इनके 2014 के स्पीच को अगर आप सुनेंगे किसके अरुण जेटली सर के अरुण जेटली सर के 2014 के स्पीच में इन्होंने एक भारी बदलाव किया सर ध्यान से सुनना इन्होंने एक भारी बदलाव किया लिखना इसमें से कुछ नहीं है पूरी हिस्ट्री समझा रहा हूं इन्होंने कहा हम अगले पांच साल के हम अगले पांच सालों के अंदर में टैक्स रेट को वन परसेंट से रिड्यूस करेंगे एवरी ईयर ध्यान से सुनना 2014 में अरुण जेटली सर ने डिक्लेयर किया कि अगले पांच साल के अंदर में हम कंपनी के टैक्स रेट को वन परसेंट से रिड्यूस करेंगे एवरी ईयर और 2014 में ही टैक्स रेट कंपनी का लेके आ गए 29% परसेंट के ऊपर कंपनियां खुश थी क्यों कुछ थी क्योंकि एक परसेंट का टैक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी के लिए इमेजिन अ कंपनी लाइक विप्रो टाटा टीसीएस रिलायंस एंड मेनी इंडियन कंपनीज टाटा ग्रुप्स इनका एक परसेंट का टैक्स भी हजारों करोड़ों में चले जा सकता है पतंजलि को ही आप देख लीजिए अब ऐसे केसेस में जैसे ही ट्वेंटी नाइन परसेंट किया कंपनीज बड़ी खुश हो गई कि हाँ इन्होंने अपना एक वादा रख दिया इस साल तो इन्होंने ये पूरा कर लिया बराबर है अगले दो साल 2015-2016 के अंदर में ये सारे चेंजेस करना भूल गए दो साल बाद द मोस्ट हैंडसम बैचलर को ये याद आया उधर से दीदी चिल्लाई उधर से दीदी चिल्लाई तो ना ए ना चौलबे तुमने बोला था कंपनी का टैक्स रेट चेंज करेगा किधर किया ऊपर से मफलर वाले बाबा भी चिल्लाए ये गलत है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए आपने कहा था कंपनी के टैक्स रेट, रेट रिड्यूस करेंगे महाराष्ट्र से भी कई लोग चिल्लाय सांगितलं होता कंपनीचा टॅक्स रेट कमी होणार जर कंपनीचा टॅक्स रेट कमी केला नाही मारल्याशिवाय राहणार नाही और ऐसी अन्य कई लोग, लोगों ने सवाल उठाए उन्होंने भी उठाए द मोस्ट हँडसम ने जी हां। भी सवाल उठाए बोले की गलत है वन डे आय वेकअप एट नाईट एंड आय थॉट टैक्स रेट विल बी रिड्यूस एंड इट विल नॉट इट हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड ये गलत है सारों ने सवाल उठाया कब याद आया इन्हें दो साल बाद 2017 में सरकार के सामने फिर से सवाल रखा गया कि क्यों भाई आप तो 1% से रिड्यूस करने वाले थे क्यों नहीं किया रिड्यूस करने वाले थे ना क्यों नहीं किया करो इन्हें भी समझ में आया कि हां वादा किया वो निभाना पड़ेगा 2017 में इन्होंने अपने वर्ड चेंज किए ध्यान से सुनना 2017 में इन्होंने अपने वर्ड चेंज किए कहा कि हम 25% परसेंट ला देते हैं सीधा टैक्स रेट ध्यान से सुनना हम 25% परसेंट ला देते हैं टैक्स रेट अगर प्रीवियस ईयर 16 17 में कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर अगर नहीं है तो हम 25% परसेंट टैक्स रेट लगाएंगे वर्ड चेंज हो गए जहां हर तरह की कंपनी को कहा गया था इलेक्शन मेमोरेंडम में जहां हर तरह की कंपनी को कहा गया था कि साहब हर एक का 25 परसेंट ला दिया जाएगा ऐसा हुआ नहीं 2017 में इन्होंने वर्ड बदले इन्होंने कहा 16 सत्रह सत्रह अठारह नहीं 16 सत्रह पिछले साल 16 सत्रह में अगर कंपनी का टर्न ओवर पचास टर्न ओवर टर्न ओवर कंपनी का टर्न ओवर करोड़ से ऊपर नहीं तो इस साल हम कंपनी का टैक्स रेट रखेंगे पच्चीस परसेंट मीनिंग क्या हुआ मीनिंग ये हुआ कि असेसमेंट ईयर 1718 एटीन से दो टैक्स रेट लागू हो गए वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 पचास करोड़ से कम है उनके लिए लागू हो गया पच्चीस परसेंट और जो कंपनी पचास करोड़ के ऊपर का टर्न है इनके लिए हो गया तीस मतलब डोमेस्टिक कंपनी के ही दो रेट चालू हो गए जाहिर सी बात है कुछ क्लास ऑफ कंपनी के लिए ही किया था तो बाकी सब भी चिल्लाना शुरू कर दी वाह वाह मोदी जी वाह 2014 की भाषा भूल गए 2014 में तो बड़ा कह रहे थे हर तरह की कंपनी के लिए करेंगे आज सिर्फ पचास करोड़ का टर्न चिल्लर बात कर रहा पचास करोड़ का टर्न चिल्लर बात कर रहा पचास करोड़ के टर्न कर की ये गलत है मोदी जी बिल्कुल गलत है अमेंडमेंट लाया गया नेक्स्ट ईयर 2018 हजार में कहा अगर प्रीवियस ईयर 17-18 का टर्नओवर 2018 में कहा कि प्रीवियस ईयर 17-18 का टर्नओवर 250 करोड़ तक के है 250 करोड़ तक के तो 25 परसेंट अदरवाइज तीस परसेंट यह बात हुई 2018 के अंदर में कि बॉस 250 करोड़ तक के है तो बस हम लोग इस बात को कंसिडर कर लेंगे इससे हुआ क्या जो कंपनीज 250 करोड़ तक का टर्नओवर कर रही थी उनका टैक्स रेट आ गया 25 परसेंट और जो कंपनी 250 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर कर रही थी उनको अभी भी 30 परसेंट चालू रहा बाकी यानी मैक्सिमम इंडियन कंपनीज जो थी वो 25 परसेंट के कैटेगरी में आ गई इन्होंने 25 परसेंट लेके आया लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेकर के आया एक साथ नहीं लेकर के आया फिर क्या हुआ फिर आया साल दो बीस फिर आया साल 2019-20, इस टर्नओवर लिमिट को और बढ़ा दिया गया 400 करोड़ कर दिया गया इस टर्नओवर लिमिट को और बढ़ा दिया गया 400 करोड़ कर दिया गया और प्रीवियस ईयर 18-19 की बात बोलने लग गए लॉ बना कि अगर प्रीवियस ईयर 18-19, ध्यान से धरना इस वर्ड को ध्यान से देखना इस वर्ड को प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन प्रीवियस ईयर 1819 में कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा तो इस साल कंपनी का टैक्स रेट 25 परसेंट नहीं तो 30 परसेंट अब आते हैं पूरी बात पे पूरी बात पे 2019 से यह चीज लागू हो गई कि ध्यान से सुनना आप लोग का प्रीवियस ईयर क्या है आप लोग का प्रीवियस ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी वन आपका प्रीवियस ईयर में आपका लेट से टर्नओवर है सिक्स हंड्रेड करोड़ और प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन में आपका टर्नओवर था लेट से टू नाइनटी करोड़ तो असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में आपका टैक्स रेट क्या होना चाहिए इफ यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं अठारह उन्नीस का टर्नओवर देखो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है बीस इक्कीस वो आज के टर्नओवर की बात ही नहीं कर रहे आज के टर्नओवर की बात ही नहीं कर रहे है। वो बात कर रहे टर्न ओवर अठारह उन्नीस की आई रिपीट वो बात कर रहे टर्न ओवर अठारह उन्नीस की जो मे ट्वेंटी वन नवंबर ट्वेंटी वन डिसम्बर ट्वेंटी वन जून ट्वेंटी वन दे रहे हैं उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी वन असेसमेंट ईयर क्या है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वो आपसे अभी की बात ही नहीं कर रहे अभी का टर्नओवर तुम्हारा छह हजार करोड़ ओन दो कोई लेन देन नहीं

टर्न ओवर है इससे कोई लेन देन नहीं अठार उन्नीस में तुम्हारा टर्नओवर कितना था इससे लेन देन अठारह उन्नीस में तुम्हारा टर्नओवर कितना था उस पर लेन देन है आप मुझे बताओ अगर आपका टर्नओवर 410 करोड़ रुपए होता आपका टैक्स रेट क्या हो जाता 30 परसेंट हो जाता आपका टैक्स रेट क्या होता 30 परसेंट हो जाता तो प्रीवियस ईयर 2021 में आपका टर्नओवर कितना इससे कोई लेन देन ही नहीं है उनको प्रीवियस ईयर 2021 में आपका टर्नओवर क्या है उससे लेनदेन ही नहीं है 12000 करोड़ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रीवियस ईयर 1819 में तुम्हारा टर्नओवर कितना है प्रीवियस ईयर 1819 में अगर तुम्हारा टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है इफ इन द प्रीवियस ईयर 1819 योर टर्नओवर इज लेस देन लेस देन 400 करोड़ देन द टैक्स रेट वुड बी 25% अदरवाइज द टैक्स रेट वुड बी 30% अदरवाइज द टैक्स रेट वुड बी 30% नाउ इस बात का क्रेडिट तो आप जरूर देंगे सर कि आपको 2014 से लेकर के 2021 तक की पूरी हिस्ट्री सुनाया और अब शायद तुम इस बात को अप्रिशिएट कर पाओ कि आज जो ऐसा 25 फाइव थर्टी परसेंट है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है तुम खुद ही नहीं तुम अपने सीनियर को भी ये हिस्ट्री समझा पाओगे देखिए टैक्स बनता है तो ये कुछ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज से बनता है जब आप इसको पूरी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज से समझाते हैं तब आपको मजा आता है

डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स डिसाइड होंगे आज के टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड होंगे क्या नहीं अब इसमें एक और चीज हुई इसमें एक और चीज हुई उसी टाइम अपोजिशन गवर्नमेंट दैट इज कांग्रेस ने एक और सवाल उठाया कि मान लो देखो कैसे लूपहोल को भरा जाता है ध्यान से सुनना कैसे लूपहोल को भरा जाता है अगेन उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने एक सवाल उठाया कि अगर कंपनी ही इनकॉर्पोरेट ध्यान से सुनना सभी बच्चे ध्यान से सुनना कंपनी ही इनकॉर्पोरेट उन्नीस बीस में हुई सवाल पूछा गया एग्जिस्टिंग सरकार को कि कंपनी ही इनकॉर्पोरेट उन्नीस बीस में हुई तो जाहिर सी बात है इसका टर्नओवर 1819 में हुआ नील नील मतलब लेस देन 400 करोड़ तो ये जो न्यू कंपनी है इसको डायरेक्टली 25 परसेंट right? राइट आप समझे सवाल सवाल क्या पूछा गया सवाल पूछ सवाल ये है कि सर 21 बीस इक्कीस का टर्नओवर को छोड़ दो अठारह उन्नीस के टर्नओवर को देखो तो उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने एक और सवाल उठाया बोले अगर कंपनी ही 19 बीस में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी ही 19 बीस में इनकॉर्पोरेट हुई तो अठारह उन्नीस का टर्नओवर उसका लेस देन फोर करोड़ हुआ अरे हाँ यहां लेस देन फोर टर्न ओवर जीरो है मतलब लेस देन फोर हंड्रेड लॉ लॉ में वर्ड क्या लिखा है लेस देन फोर हंड्रेड करोड़ लॉ में लिखा है लेस देन फोर हंड्रेड करोड़ लॉ टर्न ओवर लेस देन फोर हंड्रेड करोड़ तो इस कंपनी का परपेचुली टैक्स रेट पच्चीस परसेंट करेक्ट जो तुमने ना सोचा वो भी तेरे भाई ने तेरे को बताया ये सोचना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने सोचा तुमने भी सोचना चाहिए कि कंपनी ही इनकॉर्पोरेट उन्नीस बीस में हुई तो उसका टर्नओवर तो अठारह उन्नीस में था ही नहीं मतलब जीरो जीरो मतलब लेस देन फोर हंड्रेड करोड़ तो टैक्स रेट पच्चीस परसेंट बोलो हां यहां अगर वो ये सवाल ना पूछते तो शायद लूप होल रह जाता अगर वो ये सवाल ना पूछते तो शायद लूप होल रह जाता पर भाई साहब उनने पूछ दिया भारत सरकार ने बोला तीस परसेंट भारत सरकार ने बोला बेटा तीस परसेंट बे ना उनने कहा तीस परसेंट टर्न ओवर नहीं था इसका मतलब ये नहीं है टर्न ओवर इज लेस देन फोर हंड्रेड करोड़ उसको तीस परसेंट लगेगा उसको क्या लगेगा तीस परसेंट लगेगा तो ऐसा भी हुआ जिसके कारण कई क्लैरिटी आई लॉ में देखिए इसीलिए होता है कि जब लॉ आता है ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है अपोजिशन वाले कई बार क्या कर देते हैं लूप होल को फिक्स कर देते हैं अगर ये सवाल उन्होंने ना पूछा होता तो देयर वाज अपेरेंटली अ मिस्टेक इन लॉ देयर वाज अपेरेंटली मिस्टेक इन लॉ और ये चीज करबप नहीं होती आज ये चीज कर्व हो गई मैटर खत्म हो गया <laughs> और बिलीव मी उस टाइम पे सारे प्रोफेशनल्स ने बड़ी गाले हमारी सवाल पूछने वाले को कहा यार ये क्या क्या किया तुमने ये लूप होल को यूज करके एटलीस्ट एक साल का तो टैक्स रेट कम किया जा सकता था तो चलिए आते हैं डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स के ऊपर आते हैं बेटा डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स के ऊपर पूरी स्टोरी समझ आई क्यों हुआ किसने किया कहां से किया कैसे किया डोमेस्टिक कंपनी क्या कह रहे हैं साहब इफ इन प्रीवियस ईयर 1819 टर्नओवर Does not exceed 400 crore. Other company. If in previous year, turnover does not exceed 400 crore. Income up to 1 crore. टोटल इनकम इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट यानी यहां पे भी रेट का बेनिफिट नहीं है वन करोड़ टू टेन करोड़ टोटल इनकम इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट वट इज सेवन परसेंट ऑब्वियसली सरचार्ज अबव टेन करोड़ टोटल इनकम इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फोर परसेंट टोटल इनकम इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट एक से दस करोड़ का कैटेगरी है टोटल इनकम टी आई टोटल इनकम इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस सेवन परसेंट सर चार्ज इज दैट कोई नालायक बच्चा मुझसे पूछ रहा है किस चीज का ट्वेल्व परसेंट जब मैंने आपसे क्लियर कट कह दिया बेटा ये सरचार्ज है तो किसका ट्वेल्व परसेंट होना चाहिए आप ही बता दीजिए ऐसे आड़े तेड़े सवाल मत किया करो बेटा तुम टैक्स में बड़े आगे आ चुकी हो अदर कंपनी इनकम अप टू वन करोड़ टोटल इनकम इंटू थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट वन करोड़ टू टेन करोड़ टोटल इनकम इनटू थर्टी परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट एंड अबाउट टेन करोड़ टोटल इनकम इनटू थर्टी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फोर परसेंट यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कंपनीज के केस में दैट इज डोमेस्टिक कंपनी केस में सरचार्ज रेट जो है वो सेवन परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट है सरचार्ज रेट जो है ये सेवन परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट है एवरीबॉडी डन सर तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी के रेट सभी लोग नोट्स पे आओ नोट्स पे पेज नंबर ट्वेंटी पे आओ ट्वेंटी पे आपको सेम चीज दिखेगी अदर एस एस सी में ये देखिए डोमेस्टिक कंपनी अठारह उन्नीस का टर्नओवर हमें प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के टर्नओवर से कोई लेन देन नहीं है टैक्स रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट एक से दस करोड़ पे सरचार्ज सेवन परसेंट दस करोड़ के ऊपर गया सरचार्ज बारह परसेंट प्लस चार परसेंट का एच से तो है ही इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे तो आप डायरेक्टली अदर कंपनीज में आ जाएंगे थर्टी सेवन ट्वेल्व एंड फोर वाले परसेंटेज के ऊपर आ जाएंगे फर्म और लोकल अथॉरिटी को भी तुम ऑलरेडी देख चुके हो ये yes नो no? अब इसके आगे की बात करते हैं स्टोरी खत्म नहीं हुई है ध्यान से सुनना स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त डोमेस्टिक कंपनीज के लिए सरचार्ज की बात चल रही थी यहां तक का सबको समझा यहां तक का सबको समझा पहले हां बोलो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा यहां तक का सबको समझा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा कुछ और हिस्ट्री मुझे जोड़नी है जल्दी से बोलो यहां तक का सबको समझा बहुत बढ़िया साहब अब कुछ और हिस्ट्री को जोड़ना होगा मुझे अब कुछ और हिस्ट्री को जोड़ना होगा मुझे क्या होता है 2014 में तो ये बातें हुई 2021 तक का आपको ये रेट तो समझ गया इन बिटवीन और दो काम हुए इन बिटवीन और दो काम हुए 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कंसेप्ट को लॉन्च किया in लॉन्च किया गया 2015 के अंदर में 2018 के अंदर में इन टू लॉन्च मेड इन इंडिया वेर इन दे प्रमोटेड द डोमेस्टिक कंपनी टू मैन्युफैक्चर द गुड विद इन इंडिया रादर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम चाइना रादर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम थाईलैंड सिंगापोर दुबई यू ए उन्होंने बोला हम खुद बनाएंगे स्वदेशी बनाएंगे और स्वदेशी बेचेंगे इससे होता क्या था पर कैपिटल इनकम बढ़ती थी जीडीपी बढ़ता था और लोकल लोगों के लिए रेम्यूनोरेशन या इंप्लॉयमेंट बढ़ जाता था दो हजार पंद्रह से दो हजार अठारह तक के मेड इन इंडिया को प्रमोट किया गया लेकिन वो उस पेस में आगे नहीं बढ़ा जिस पेस में आगे बढ़ना चाहिए 2018 में फिर इस बात को थॉट दिया गया कि हम तीन साल से चिल्ला रहे हैं मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया ये प्रमोट क्यों नहीं हो रहा इस पर इंडस्ट्री की राय ली गई इस यू नो बिरला जी को बुलाया गया फ्रॉम बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टाटा को बुलाया गया अमानीश को बुलाया गया और इंडस्ट्री से एक राय ली गई कि ऐसा क्या है कि इंडस्ट्री को हम मेक इन इंडिया बोल रहे हैं पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही इंडस्ट्री या फिक्की एफ की भी मीटिंग्स होती है इन सब में एक चीज जो कॉमन निकल के बाहर आई कि आप मेक इन इंडिया को तो प्रमोट कर रहे हो लेकिन कंपनीज जो इनकम कमाएगी उनके लिए 25 परसेंट और 30 परसेंट यह बहुत ह्यूज टैक्स रेट है मान लीजिए अगर कोई न्यू कंपनी है एलिजिबल स्टार्टअप है ये एलिजिबल स्टार्टअप के ऊपर जो टैक्स रेट आप लगा रहे हो ट्वेंटी और थर्टी ये बहुत ह्यूज है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मार्केट से पैसा उठाया होगा कंपनी स्टार्ट करने के लिए उनके ऊपर वो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी के अलावा आप उसके ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी जब लगा दोगे तो फ्लरिश करने का जो टाइम है वो तो उन्हें मिलेगा ही नहीं विथ सो मच ऑफ द ह्यूज टैक्सेस दे विल नॉट बी एबल टू फ्लरिश सो काइंडली हैव समथिंग हैव सम ऑप्शन ऑफ टैक्सेशन वेर इन दिस कंपनी कुड एक्चुअली यू नो रिड्यूस देर टैक्सेशन एंड इनस्टेड दे कु इंड्यूस दिस मनी इन देर वर्किंग कैपिटल उनको प्रमोट करो वर्किंग कैपिटल के लिए इस बात को समझा गया 2019 आया 2019 के इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि हम मेक इन इंडिया में जो कंपनीज है जो एलिजिबल स्टार्टअप में है हम इनके लिए क्या करेंगे और टैक्सेशन में सहूलियत देंगे दो मोदी गवर्नमेंट अगेन आती है टू भारी बहुमत के साथ मोदी गवर्नमेंट आती है लेकिन इसी के साथ साथ 2019 में बनता है इकोनॉमिक स्लोडाउन जीएसटी ब्लैक मनी एक्ट देन आर्टिकल 370, देन नोटबंदी ऐसे कुछ कड़े डिसीजन थे जिनने भारत के अंदर में कैश फ्लो को बहुत ज्यादा रोक दिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिसके कारण इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे ही आया गवर्नमेंट ने बोला यह सबसे बेहतरीन टाइम है अपने वादे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंपनी के लिए इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए हिस्ट्री खत्म और पॉइंट आ गया मेन गवर्नमेंट ने सितंबर 2019 में कंपनीज के लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम निकाला अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम इसी के नीचे लिखना है हमें ये जो टैक्स थे ये नॉर्मल थे कंपनीज के लिए लेकिन सितंबर 2019 के अंदर में इन्होंने लाया टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस और कंपनीज को अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम दिया गया अल्टरनेटिव जी हां जिस तरह से 2020 में इंडिविजुअल को एच को दिया गया 2019 में ही कंपनीज को दे दिया गया स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग है या जो एलिजिबल स्टार्टअप है इन्हें क्या दिया गया बेनिफिट दिए गए और कहा गया कि आप भी अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम्स के अंदर में आइए अब शायद आपको पता है ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम हमने कहां से अडॉप्ट की है अमेरिकन टैक्सेशन स्कीम से अडॉप्ट की है या तो आप फुल डिडक्शन एग्जम्पन लो और 25 परसेंट या 30 परसेंट पे करो या तो आप कम पे करो और हम आपको डिडक्शन एग्जामेशन नहीं देंगे इस एंगल में दो सेक्शन लेके आए 115 सौ पंद्रह बी ए ए बी ए बी आपको आपके नए मॉड्यूल के अंदर में जो मे 21 वन नवंबर ट्वेंटी के नए मॉड्यूल आए हैं उनमें इसका रेफरेंस दिखेगा पर ये कवर आपको सीए फाइनल लेवल पे किया गया है ये आपको कवर नहीं किया गया है ये आपको सीए फाइनल लेवल पे रखा गया है पर मॉड्यूल में इसके रेफरेंसेस है और इसीलिए मैंने आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बता दिया मॉड्यूल में इसके रेफरेंसेज है लेकिन ये आपको यहां कवर नहीं है या सी ए फाइनल में कवर है दोनों अल्टरनेटिव इंडिविजुअल का 115 बीएसी आपको कवर है क्योंकि इंडिविजुअल का टैक्सेशन आपको कवर है लेकिन फाइनल के अल्टरनेटिव टैक्सेशन है 115 बीएए 115 बीएबी ये आपको कवर नहीं है यह आपको सी ए फाइनल के अंदर में कवर्ड है सी एस प्रोफेशनल के अंदर में कवर्ड है ये वहां कवर कवर है है यहां नहीं नहीं गेटिंग इट और नॉट अच्छा इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे पर आप मे ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी के मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे तो आपको ये रेफरेंसेस यहां दिखेंगे तो यहां पे लिख दीजिए दिस इज एन अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम इतना पार्ट यहां पे लिख दीजिए डोमेस्टिक कंपनी के नीचे डोमेस्टिक कंपनी के नीचे इतना पार्ट जरूर लिख दीजिए डन प्रभु ओके okay. तो 115 बीए, BA, 115 बी ए हंड्रेड बी ए बी आपको सीए फाइनल में कवर है यहां कवर नहीं है तो बिंदास छोड़ दीजिए। हम कहां हैं वापस आओ इस पेज पे हम टैक्स रेट्स फॉर अदर देख रहे हैं हमने सबसे पहले फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट्स देखे राइट right? फिर हमने कंपनी के लिए देखा कंपनी में हमने सबसे पहले उठाई डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी की पूरी हिस्ट्री समझी और आज समझे कि कंपनी के दो टैक्स रेट अलग अलग क्यों है साथ ही साथ डोमेस्टिक कंपनी के लिए कुछ अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम्स भी आई है पर आपको ये सिलेबस के अंदर में कवर नहीं है इस बारे में भी हम लोगों ने कंसिडर कर लिया चलो मालिक अब हम चलते हैं आगे वापस से आओ फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट कंपनी में दो थे डोमेस्टिक कंपनी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया 25 परसेंट या 30 परसेंट डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर अब हम आ गए फॉरेन कंपनीज में फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स क्या है फॉरेन कंपनीज के लिए अप टू वन करोड़ टोटल इनकम इनटू 40 परसेंट प्लस फोर परसेंट वन करोड़ टू टेन करोड़ टोटल इनकम इंटू फोर्टी परसेंट प्लस टू परसेंट प्लस फोर परसेंट अबव टेन करोड़ टोटल इनकम इंटू फोर्टी परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट इन शॉर्ट फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट फोर्टी परसेंट रखा गया है इनके सरचार्ज रेट टू परसेंट और फाइव परसेंट है इनके सरचार्ज रेट टू परसेंट और फाइव परसेंट है यस yes, एंड आप सब जानते हैं कि बॉस बॉस कंपनी को बेसिक एक्जम्शन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता स्ट्रेट अवे जितनी इनकम आई उतनी लाइबल टू टैक्स एक एग्जाम्पल पे भी ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर एट पातांजलि लिमिटेड हैज अ टर्न ओवर इन प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन थ्री हंड्रेड करोड़ विच रोज टू 1300 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 2021 ट्वेंटी द टोटल इनकम ऑफ कंपनी इन द प्रीवियस ईयर इज 80 करोड़ कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी सॉल्व करो जल्दी से बताओ आंसर क्या आना चाहिए इनकम इज एट्टी करोड़ रुपीज टैक्स रेट वुड बी ट्वेंटी फाइव परसेंट डू यू अग्री विथ दिस थिंग येस और नो डन सर ट विल देयर बी सरचार्ज विल देर बी सरचार्ज यस कितना एट द रेट ऑफ सेवन परसेंट नो एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में ट्वेंटी थ्री लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड शायद ये अमाउंट को लेकर के कुछ इशू है मैं अमाउंट को वापस एक बार चेक कराऊँ I just stand corrected with my numbers. 23 थ्री करोड़ ट्वेंटी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड इज द करेक्ट आंसर मैंने 80 करोड़ पे के जगह 8 करोड़ पे कर दिया इन द कैलकुलेटर देखो छोटी सी मिस्टेक भी होती है ऐसा नहीं हमसे नहीं होती है. बिल्कुल हो सकती है वी आर ऑल्सो ह्यूमन Is दैट डन मालिक आपको नहीं लगता कि कंपनी के टैक्स रेट ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल यस, मैं खुद मानता हूं क्योंकि इसमें वो इतना झंझट है ही नहीं याद रखना ये रखना वो रखना आपको सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है स्ट्रेट अवे उसका टैक्स निकाल देना है यह टैक्स ज्यादा कैलकुलेशन में ईजी होते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एन एच एफ वाले एनी टाइम एनी टाइम ये ज्यादा ईजी है यस ओ नो ओके चलो प्रभु प्रभु जी अभी बचता ये फॉरेन का आइए पेज नंबर ट्वेंटी पे वापस आइए पेज नंबर ट्वेंटी पे आपको दिखेगा फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी का फोर्टी परसेंट टू परसेंट फाइव परसेंट फोर परसेंट क्लियर है मालिक ओके को ऑपरेटिव टैक्सेशन जी हां ये एक लास्ट पार्ट आज का को ऑपरेटिव टैक्सेशन on the first 10000 percent next 10000 percent on the balance 30% on the balance 30% done sir if income एक्सीड वन करोड़ सरचार्ज एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट प्लस एचईसी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए टैक्स रेट्स अलग रखे गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए टैक्स रेट्स थोड़े से अलग रखे गए हैं पहले दस हजार तक के दस परसेंट नेक्स्ट टेन थाउजेंड पे ट्वेंटी परसेंट बैलेंस पे थर्टी परसेंट और इनकम अगर एक्सीड कर रही है एक करोड़ से ऊपर तो सचार्ज रेट विल बी ट्वेल्व परसेंट एच तो चार परसेंट जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा अब एक और पॉइंट सुनिए पे भी कुछ अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी द्वारा यहां पर भी अमेंडमेंट है टू थाउजेंड हुआ हुआ कि 2010 से लेकर के 2020 तक 2010 से लेके 2020 तक कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में घोटाले मिले, जिसके बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई और 2010 2010 से लेके 2020 तक, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एग्जिस्टेंस बिकॉज आउट ऑफ फ्रॉड मिसमैनेजमेंट और दे आर नॉट फॉलोइंग द रेगुलशन विच आर इन बाई द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और वेरियस अदर रीजन

every you take every cooperative society there would be a person who is a politician and obviously baat hai he will have a say to us time pe uske issues aate the ab cooperative society mein jaise hi registrations reduce hue to bharat sarkar ne cooperative society ko you know promote करने के लिए या cooperative society actually अब जितनी बची है उन्हें existence में रखने के लिए क्या किया इनके लिए भी निकाला एक alternative taxation scheme ब्रॉटिन बाय फाइनेंस एक्ट 2020 एक नया सेक्शन लाया गया 115 बी ए डी लेकिन डरने की बात आपको इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये सीए फाइनल पे रखा गया आपको नहीं रखा गया लेकिन आप मॉड्यूल देखोगे तो उसके अंदर में आपको इसका रेफरेंस देखने को मिलता है आप अगर मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में आपको इसका रेफरेंस देखने को मिल जाएगा और इसीलिए मैंने आपको यह बता दिया कि इसके लिए भी कोई अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम आई है यस yes, प्रभु तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट दिस अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम दिस अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम इज फॉर इंडिविजुअल एच यू एफ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आंसर इज यस, आउट ऑफ विच इंडिविजुअल के जो अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम है ये आपको इंटर लेवल पे कवर्ड है सीएस एस एग्जीक्यूटिव लेवल पे कवर्ड है पर 115 बीएबी, बीएडी, बीएए जो कंपनी और कोऑपरेटिव के है ये फाइनल के अंदर में कवर है आप मेरे साथ वैसे ही फाइनल में मिलने वाले हो फाइनल में हम लोग देखेंगे फाइनल में डीटी में भी है इंटरनेशनल टैक्स में भी आपको इसका रेफरेंस आता है तो हम लोग इसको वहां देखेंगे बिल्कुल तब तक के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये और नो डन प्रभु चलो बहुत बढ़िया आ जाओ इधर ऊपर आओ कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट टेन थाउजेंड टेन परसेंट नेक्स्ट टेन थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट एंड द बैलेंस थर्टी परसेंट वेल इनकम एक्सीड वन करोड़ ट्वेल्व परसेंट इज हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए डी इज द न्यूएस्ट इंसर्शन इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बट दिस इज ऑप्शनल ये जो दिया गया है ये ऑप्शनल है यहां पर इसको ऑप्शनल लिख दीजिए काम खत्म डन सर ओके okay. चलिए अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सेशन के ऊपर द सेशन इज अब पूछे आपके जितने सवाल हैं पहला सवाल सर ये सब बहुत ज्यादा लग रहा है ये सब याद कैसे रहेगा वेलकम टू आईपीसीसी इंटर Inter, CS आपको याद नहीं रखने पड़ते क्योंकि हर बार इतने ज्यादा पूछते नहीं है बट हां ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे एक बात तो पक्की है कि रोज आपको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में तो एक कंफर्म करना कि जितना आपको पढ़ाया है उतना जाके पढ़ना जो प्रॉब्लम हमने यहां सॉल्व की है रफ में जाके फिर से सॉल्व करना ये बाय डिफॉल्ट में हर रोज का होमवर्क रहेगा ही रहेगा नो yes no? तो सर ये हो जाता है आप आगे बढ़ेंगे अभी तो आपका सैलरी पीजीबीपी बाकी है डिडक्शन बाकी है टीडीएस बाकी है तब आपको समझ में आएगा ज्यादा का मतलब होता क्या है ये yes नो no? तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि ज्यादा का मतलब होता क्या है ओके okay. दीपांशु ने एक और सवाल पूछा है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैसे गैस करें आपको उनके ऊपर पहली बात तो क्वेश्चन आता है तो वो क्लियर कट आपको बताता है कि गैस करो अदरवाइज जनरली प्रॉब्लम में लिखा होता है ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है पपा की तबीयत ठीक है अभी थोड़ी सर मॉड्यूल ट्राई करेगा अरे बिंदास उठा के सॉल्व करो कोई प्रॉब्लम नहीं डरने का नहीं सुनीता आई गेट योर क्वेश्चन आप पूछना क्या चाहते हैं बेटा बुक्स आर ऑलरेडी इन प्रिंटिंग बुक्स सारे बच्चों की ऑलरेडी प्रिंटिंग के अंदर में है तो आप टेंशन मत लीजिए मे बी टेंथ तक के आप सब तक के वो बुक्स पहुंच जाएगी मैक्सिमम ऑफ द केसेस तक यस yes, बेटा ही विल बी लाइबल टू एच इन केस ऑफ लॉटरी इनकम ऑल्सो सर एक डाउट है आप उल्टा टिक क्यों लगा रहे हैं मैं हर जगह आपने देखा होगा ऐसा टिक लगा रहा हूं बिकॉज दिस डन बाय एन ऑडिटर जो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो ऑडिट करते होंगे वो बार बार ये टिक लगाते होंगे क्योंकि हमारी हैबिट ही ऐसी है हमको ऐसा नहीं समझ में आता हमारा काम ही यही है उल्टे टिक लगाना सर कल क्लास है क्या कल क्या है जो क्लास नहीं होगा हाँ बेटा आप व्हाट्सएप पे भेजो सर अभी हम बुक परचेस करेंगे तो क्या बाद में लेक्चर कॉस्ट से डिडक्ट हो जाएंगे क्या हाँ मतलब यार मैं देखो तीन दिन से देख रहा हूं चलो तुमको सब्जेक्ट क्वेरीज तो खत्म ही रहती है तुम फालतू की क्वेरीज पूरी पूछ डालते हो बेटा थर्टी फर्स्ट है तो उससे हमारा क्या थर्टी फर्स्ट को जो होता है वो रात में होता है हमारे काम दिन के काम है नहीं बेटा फास्ट ट्रैक में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कल क्लास होगी सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ पूछ लो बे सब्जेक्ट रिलेटेड तो किसी ने कुछ ने नहीं पूछना सर हम क्या करें सर जो सवाल आते हुए तो आप खुद ही क्लियर कर देते हो चलो ये ठीक है सब्जेक्ट क्लियर कट सिखाया है अच्छा डन सर केस ऑफ फर्म कंपनी क्या इंडिविजुअल पार्टनर और मेंबर टैक्स के लिए लाइबल होंगे हांशिका होते हैं दीपिका आपने क्या पूछा जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूं मैं नहीं करूंगा इग्नोर प्लीज एक और बार पूछिए माइट भी इतने कमेंट्स में रह गया होगा फुल फ्लेज और कौन से फुल फ्लेज सम करवाऊ सुनीता सर विच मटेरियल इज एप्लीकेबल फॉर जनवरी 21? जनवरी 21 के लिए जो आपके नवंबर 20 वाले वही एप्लीकेबल है रिबेट 112 ए में अलाउड नहीं है बराबर पेनड्राइव परचेस करने के लिए वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम के ऊपर जाइए इंटर सी एस या सीएम जो भी होगा आप सिलेक्ट कीजिए अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने फर्म uh, और LLP के सरचार्ज ज्यादा रखे हैं हैंड टू कंपनी बिकॉज फर्म्स हमारे पास वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है एंड मैक्सिमम ऑफ द केस में फर्म्स फर्म्सिंग में नहीं होती आप पूछ रहे हैं कंपनी पे एक करोड़ तक का सरचार्ज नहीं है फिर भी हम लगा दे तो कैसे लगाओगे सरचार्ज है ही नहीं तो लगाओगे क्यों और अगर लगाओगे तो कैलकुलेशन गलत है मार्क्स नहीं मिलेंगे सर हमारे माइंड में लॉ के लूप होल्स नहीं आ रहे क्यों कैसे आएगा जिंदगी में पढ़ पहली बार टैक्स रहे उसमें काम करोगे तो समझेगा ना गलती का है अच्छा फर्म के लिए जो रेट लिखवाए हैं वो बता दो वो लिख लेती हूँ लो दीपिका आपकी बात मैंने सुन ली और ये रहे फर्म लोकल अथॉरिटी के रेट ये एक बार लिख लो बेटा आप जब तक के इफ आई एम न्यो न्यू स्टूडेंट आई स्टार्ट फ्रॉम टूमोरोज लेक्चर बेटा हर्ष आप पहले लेक्चर से चालू करो तो यहां तक का परफेक्ट लिंक लगेगा तो पार्ट वन से चालू करो आपको सारे लिंक लगेंगे सुनीता जिस इस पॉइंट पे मैंने आपको पहले भी बोला है ये सिर्फ मैंने ऑनलाइन पढ़ी हुई चीज है जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं आप मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हैं मैं भी कहता हूं कि हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा हुआ है बट यू नो ऑनलाइन कहीं तो भी वो चीज पढ़ी है जिसको मैंने आपको रेफर किया जरूरत नहीं है अंशिका आपके लिए या आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा थैंक यू सो मच अभिषेक सर टैक्स कैलकुलेशन कितने मार्क का आता है दो से चार बहुत हो गए हां बेटा पेनड्राइव में सारे लेक्चर रहेंगे हम लोग डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं एनान सरचार्ज चार्ज नहीं लगता हितेश उसके ऊपर दर्शन सर ने कहा उनको सरचार्ज नहीं लगता गलत कह रहे हैं दर्शन सर सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल है मेरे हिसाब से थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज आता होगा उन्हें सर अब तक हमारा कितने मार्क्स का कवर हो गया है मे भी तीन या चार मुश्किल से पांच सर आपको भी सरचार्ज लगता है क्या मैं तो बेसिक एक्सामेशन लिमिट में खत्म हो जाता हूं मेरे भाई कहा तुम मुझ पे सरचार्ज लगा रहे हो हाँ पर दुआ यही रहेगी कि 2021 के अंदर में मुझ पे सरचार्ज लगे 37 परसेंट का सरचार्ज लगे इतनी इनकम तो मैं कमाई मे 21 का डायरेक्ट टैक्स पूरा चेंज है क्या बेटा डायरेक्ट टैक्स में सबस्टेंशियल चेंजेस है पूरा चेंज नहीं है बहुत मेजर चेंजेस है ये बोल सकता हूं आपको टैक्स कैलकुलेशन का कोई प्रॉपर फॉर्मेट है एक्ट ने दिया हुआ नहीं है जो हम फॉलो कर रहे हैं आपको कर सकते हो सर सच बोलो आप पे भी लगता है सच ही बोल रहा हूं मैं एकदम सच बोल रहा हूं सरचार्ज के मामले में मैं तो चाहता हूं थर्टी सेवन परसेंट लगे भगवान इतनी कमाई दे कि मैं 37 सेवन परसेंट सर चार्ज पे करूं आई एम अ टैक्स मैन मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं टैक्स पे करूं मैंगलोर से बच्चा देख रहा है बहुत बढ़िया बेटा थैंक यू क्षितिज ने सारे लेक्चर देख लिए एक ही दिन में भाई फुल रिस्पेक्ट चलिए आई थिंक सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट खत्म हो गए मिलते हैं आपसे कल आप अपना पूरा ख्याल रखिए बाय बोलो बच्चों